Swayam Prabha, Digital India, Educated India. लेखन की बदलती प्रवृत्तियों रुझानों के ऊपर केंद्रित इस लेक्चर सीरीज का यह दूसरा एपिसोड है, दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में भूमिका के तौर पर हमने इस विषय से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर बहुत संक्षेप में बात की थी, उन्हें रेखांकित किया था, जिससे कि संकल्पनात्मक स्तर पर आगे हमें इस विमर्श को समझने में सहायता मिले, इस संवाद को आगे बढ़ाने में सहूलियत हो। हमने बात की थी गैर यूरोपीय समाज में अतीत को लेकर, इतिहास को लेकर जो सरोकार रहे उनके बारे में, और आपको याद होगा कि हमने भारतीय संदर्भ में इतिहास पुराण परंपरा की बात की थी, वंशानुचरित की बात की थी और समय की अवधारणाओं के ऊपर बहुत संक्षेप में बात छेड़ी थी, जिससे यह तो स्पष्ट है कि भारत में महज साइक्लिकल टाइम या महज लीनियर टाइम, क्रोनोलॉजिकल टाइम ही नहीं था। यहाँ समय को लेकर कई प्रकार के संबंध रहे, ज्ञान वाङ्मय के संदर्भ में भी। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि क्या भारतीयों में इतिहास लेखन ऐतिहासिक चेतना थी या नहीं। यह एक अहम सवाल है। हमने भूमिका में भी इस बारे में बात की थी और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से यह सवाल बार बार लौटता रहेगा। पिछले 250 सालों में यह सवाल महज इतिहासकारों की ही चिंता का विषय नहीं रहा है। इतिहास अनुशासन के बाहर भी राजनेताओं, विचारकों सभी के लिए यह एक अहम मुद्दा रहा है, क्या भारत में अंग्रेजों के आने से पहले इतिहास था या नहीं था, क्या प्राचीन भारत में इतिहास लेखन हम पाते हैं या नहीं पाते हैं। यह अनेक अलग अलग रूपों में यह सवाल आता रहा है, कहीं यह अस्मिता के साथ जुड़कर आया है, कहीं यह ज्ञान वाङ्मय के साथ जुड़कर आया है, कहीं यह सभ्यता जनित आकार स्वरूप लेते हुए हमारे सामने आया है, और कहीं विचारधारा के स्तर पर, राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर यह सवाल हमारे सामने आता है। तो इस सवाल का एक बड़ा फलक है, जो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए जरूरी है कि इस फलक के हर पहलुओं पर हम गौर करें। और जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, वहाँ जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास लेखन इतिहास के क्लासरूम के बाहर भी यह एक बड़ा चिंता का विषय रहा है, चाहे वो महात्मा गांधी के विचारों में हो या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद चटर्जी, ये चार मैं मुख्य रुझानों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। आगे हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। इन चारों विचारकों की इतिहास दृष्टि हमारे लिए मायने रखती है। यहाँ तो यह है कि इस सवाल की अहमियत समझना और बगैर किसी हड़बड़ी के किसी कंक्लूजन की तरफ
नहीं पहुंच जाना, इस पर हमें ठहर कर सोचना होगा इस सवाल पर, और इसके अनेक विविध पक्षों की तरफ हमें सोचना होगा। तो 18वीं सदी की बात आज हम करेंगे और 18वीं सदी में इतिहास लेखन की बात करेंगे। उस संदर्भ में इस सवाल का उठाया जाना हमें किस तरफ ले जाता है, यह आज के हमारे इस लेक्चर का विषय है। जैसा कि मैंने कहा कि पिछली बार हमने वंशानुचरित की बात की थी, इतिहास पुराण परंपरा की बात की थी, और भारत में समय की अनेक जो निमित्तियां रही हैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में बात की थी। तो यहाँ ये जरूर हमें ध्यान रखना होगा कि जब महात्मा गांधी या नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर 19वीं सदी में हम आगे देखेंगे कि बंगाल और महाराष्ट्र में जो इतिहास को लेकर राष्ट्रवादी सरोकार रहे हैं, उनकी चिंताओं में जब इतिहास आता है तो वो समय की उन निमित्तियों के संदर्भ में नहीं आता है। वहाँ समय या इतिहास की जो संकल्पना है, यह वह संकल्पना है जो कि 18वीं सदी में अंग्रेजों के जरिए भारतीय जनमानस में आकार ले रहा था, स्वरूपित कर रहा था अतीत की चिंताओं को। तो यह एक खास जो ब्रिटिश परंपरा भारतीय इतिहास को लेकर रही, उसको कॉन्टेस्ट किया जा रहा था 19वीं सदी और 20वीं सदी में। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि एक तरफ तो हम समय की इन विविध निमित्तियों, संकल्पनाओं, इन व्यवहारों की तरफ अपना ध्यान बनाए रखें, जिसमें हमें चक्रीय समय की अवधारणा, साइक्लिकल टाइम जिसे कहते हैं, या लीनियर क्रोनोलॉजिकल टाइम, या फिर ये सभी हैं भारतीय जनमानस में और भारतीय बुद्धिजीवियों, ज्ञान के विमर्श के सरोकारों में ये सभी वहाँ हैं। या फिर कहें तो दूसरी तरह से देखें तो जो प्रलय के साथ समय की अवधारणा जुड़ी है भारत में, महाभारत युद्ध के बाद पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, प्रलय आ गई, और उस प्रलय के साथ हम अनेक उदाहरणों में नए युग की शुरुआत पाते हैं। तो यह भी एक समय की अवधारणा है। दूसरी तरफ देखें तो जब भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे उलगुलान, वहां उनके जेहन में और उनके समर्थकों के जेहन में इस संघर्ष के बाद सतयुग आ जाने का सपना था, तो वह भी एक समय की निमित्ति है। और इन सब का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इनका जो भारतीय इतिहास चेतना रही है, अतीत के साथ जो संवाद रहा है भारत में, भारतीय समाज में, उस सब में अहम भूमिका रहा है। इन सभी बातों पर हम अगले लेक्चर्स में, इस सीरीज में वापस आते रहेंगे, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन यहां मैं वापस 18वीं सदी की तरफ लौटना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास में संदर्भों का, कॉन्टेक्स्ट का, पृष्ठभूमि का अहम मायने होता है। तो जब हम इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं और इतिहास की जिस संकल्पना को राष्ट्रवादी चुनौती दे रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, तो यह वह संकल्पना है जो 18वीं सदी में आकार ले रही थी। इसलिए 18वीं सदी हमारे लिए बेहद अहम हो जाती है। 18वीं सदी अर्थात
अंधकार का युग, जैसे कि कई भारतीय इतिहास धारा में इसे देखा गया है। इस अंधकार के युग को दूसरी तरफ कई विद्वानों ने कंटेस्ट भी किया है, वह भी हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ कुछ बातें जो हमारे जहन में रखनी जरूरी है वह यह कि तो 18वीं सदी की शुरुआत में ही 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही सत्ता संघर्ष के कई रूप हमारे सामने आने लगते हैं। उत्तरोत्तर मुगल साम्राज्य कमजोर होता जाता है, केंद्र की शक्ति कमजोर छीन पड़ती जाती है। इसका असर राजनीतिक तो था ही, आर्थिक विकेंद्रीकरण के रूप में भी हमारे सामने आता है। सत्ता का केंद्र दिल्ली से हटकर प्रांतों में परिवर्तित हो जाता है, चला जाता है। अवध, हैदराबाद का उदाहरण हमारे सामने है और लंबी दूरी के व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ा। इन सभी बातों पर हम आगे सामाजिक और आर्थिक इतिहास लेखन के संदर्भों में बातें करेंगे, लेकिन एक पृष्ठभूमि के तौर पर इन बातों को जहन में रखना जरूरी है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह है 1765 में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलना, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व वसूलने का अधिकार और सिविल कानून के प्रशासन का अधिकार, सिविल मुकदमों पर निर्णय लेने का अधिकार। यह दूसरी अहम घटना जो हमें अपने जहन में रखना होगा जब हम 18वीं सदी की बात करते हैं। तीसरी बात जो आज के इस लेक्चर के लिए महत्वपूर्ण है वह है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और इस सोसाइटी से जुड़े लोगों की भारतीय इतिहास के संदर्भ में, ज्ञान वांग्मय के संदर्भ में उनके योगदान की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ जो अगला मुद्दा हमें अपने जहन में रखना होगा वह है 18वीं सदी और 19वीं सदी में भारतीय इतिहास को लेकर या फिर भारत को लेकर जो वैचारिकी हमारे सामने आती है, उस वैचारिकी को कुछ खांचों में रखकर हम देखते आए हैं, इसे आप लेबल कर सकते हैं। और इसमें प्राच्यविदों, जिन्हें हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, उनके योगदान, इवेंजेलिकल्स मिशनरियों के योगदान और 19वीं सदी के शुरुआत से खासकर जिस विचारधारा को यूटिलिटेरियंस की संज्ञा से हम जानते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद और उनके प्रोपोनेंट्स उपयोगितावादी यूटिलिटेरियन, उनकी बात, तो हमें ऐसे पदों को, इन शब्दों को जहन में रखना होगा। लेकिन साथ ही मैं यह भी ताकीद करता चलूं कि जब भी हम ऐसे पदों को, इस तरह के क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, तो हमें इन पदों के साथ निश्चिंत नहीं हो जाना है। इन शब्दों की अपनी सीमाएं भी होती हैं, इन खांचों की अपनी सीमाएं होती हैं, तो ये खांचे कभी एकास्म नहीं होते हैं, मोनोलिथिक नहीं होते हैं। इनके भीतर अपनी संश्लिष्टताएं होती हैं, तरलताएं होती हैं। उस तरफ भी हमें हमेशा अपनी नज़रों को पैना रखना होगा, अपने को चुस्त दुरुस्त रखना होगा, साकांक्ष सतर्क रहना होगा इन सीमाओं के प्रति। तो ये 18वीं सदी के का एक वैचारिक फलक है जिसके सहारे हम अपनी बातचीत शुरू करना चाहते हैं। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि हम 18वीं सदी के अंतिम पखवारे, अंतिम दशकों में जो भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और इतिहास को लेकर जो शोध चल रहा था, अलग अलग इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जा रहा था, उसमें उन शोधों की तरफ भी नज़र दें जो
सीधे सीधे इतिहास से जुड़ा नहीं था। मैं यहाँ फ्रांसिस बुकानन या कॉलिन मैकेंजी या जेम्स रेनल आदि के सर्वे और उनके द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर जो शोध कार्य आप कह सकते हैं और उनसे जो रपटें आई उनकी तरफ यहाँ मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, उन पर भी हम चर्चा करें। जब हम 18वीं सदी में या बाद में भी इतिहास लेखन की बात करते हैं तो जिस खांचे की बात मैं अभी कर रहा था तो एक बड़ा खांचा औपनिवेशिक इतिहास लेखन और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के तौर पर ये दो बड़े वृत्त हमारे सामने आते हैं। लेकिन यहाँ मैं इनके भीतर की संश्लिष्टताओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह बहुत आसान है कि हम अंग्रेजों के द्वारा लिखे इतिहास को एक एकीकृत औपनिवेशिक लेखन के रूप में देखें और फिर अपनी समझ बना लें। अधिक महत्वपूर्ण यह है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इतिहास में संदर्भ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जिसे हम मोटे तौर पर औपनिवेशिक इतिहास लेखन या विचारधारा कहते हैं वह भी समय के साथ परिवर्तित होती रही है और एक ही समय में उसमें अलग अलग संश्लिष्टताएं हमारे सामने मिलती हैं। इसीलिए इन खांचों से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उस समय उस काल में क्या हो रहा था, किस तरह की इतिहास लिखी जा रही थी और किस तरह के सरोकार हमारे सामने लाए जा रहे थे, उन पर ध्यान दिया जाए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा मुद्दा यह भी है कि जब हम इतिहास लेखन और औपनिवेशिक विचारधारा की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं या हमारा पूरा जो एनर्जी है वह इस बात में लगता है कि हम उस काल में अंग्रेजों द्वारा जो इतिहास या जो भारतीय समाज अर्थव्यवस्था के प्रति जो ज्ञान का उत्पादन हो रहा था उसे सीधे तौर पर सत्ता के साथ जोड़कर देखा जाए और फिर ज्ञान और सत्ता के बीच का जो सीधा समीकरण है उस चौकठे में उस फ्रेम में हम अपने अध्ययन को डालकर निर्णय निकालें। औपनिवेशिक संरचना में ज्ञान और सत्ता के बीच के संबंध को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उन संश्लिष्टताओं की तरफ हमारा ध्यान जाता है जो जरूरी नहीं है कि इस सीधे समीकरण में ज्ञान और सत्ता के समीकरण में फिट बैठे ही। ये चंद ऐसे वार्निंग्स हैं या कौशन हैं जो हमें हमेशा अपने साथ रखना होगा, पोटली बांध कर आप कह सकते हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अंग्रेजों या इन इतिहासकारों के जहन में इनमें से बहुतों के जहन में यह बात नहीं थी कि भारत में इतिहास लेखन का अभाव था। जैसे
मैकडोनल्ड के कथन को हम देखें तो वे लिखते हैं कि हिस्ट्री इज वन वीक स्पॉट इन इंडियन लिटरेचर एंड अर्ली इंडिया रोट नो हिस्ट्री बिकॉज इट नेवर मेड एनी। तो देखिए इतिहास को लेकर बारंबार अटैक किया जाता है भारत में इतिहास को लेकर। अब यहां महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यदि मैकडोनल्ड या अन्य भारतीय विद्वान इस औपनिवेशिक मानसिकता के साथ भारत के अतीत को देख रहे हैं तो फिर जैसा कि सवाल बात के सदियों में उठाया जा रहा है, सवाल यह है, प्रश्न यह है कि हु स्पीक्स फॉर इंडियन पास्ट। भारतीय अतीत के बारे में कौन बात कर रहा है? और यहां महज कौन बात कर रहा है यही नहीं है, यहां यह भी है कि भारतीय अतीत के बारे में किस तरह से बातें की जा रही हैं, किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरह के सरोकार सामने लाए जा रहे हैं और उन सरोकारों का क्या राजनैतिक वैचारिक संदर्भ रहा। जब हम 18वीं सदी की बात करते हैं तो यह राजनैतिक और वैचारिक संदर्भ बहुत अहम हो जाता है। जब हम बाद की सदियों की बात करेंगे तो वहां राजनैतिक वैचारिक के साथ साथ सामाजिक सरोकार सामाजिक संदर्भ भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब हम लोग आइडेंटिटी और हिस्ट्री के बीच के संबंधों की बात करेंगे भारतीय संदर्भों में, तो 18वीं सदी में वे क्या संदर्भ रहे जो विद्वानों को भारत के इतिहास की तरफ लेकर जाते रहे? सत्ता और ज्ञान के समीकरण की जो बात मैं अभी कर रहा था, यदि उस समीकरण में इतिहास लेखन के संदर्भों को डालकर देखें, बंगाल की दीवानी के मिलने के बाद जिस तरह से अंग्रेज अफसरों के बीच भारतीय इतिहास की तरफ दिलचस्पी जगी, उसके ठोस राजनैतिक संदर्भों की बात करते हुए, इस ज्ञान और सत्ता के समीकरण की बात करते हुए उसके मद्देनजर प्रसिद्ध इतिहासकार रंजित गुहा हमें बताते हैं कि इतिहास लेखन का सरोकार उस दौर में तीन मूलभूत बातों पर टिका था और ये तीन उपनिवेशवाद की औपनिवेशिकता की तीन आधारभूत जरूरत आप इसे कह सकते हैं। यह था कि औपनिवेशिक सत्ता का बलात् आरंभ, फोर्स फुल इम्पोजिशन जो हम 1765 में देखते हैं,
या उससे पहले भी प्लासी की लड़ाई के बाद से ही हम देखते हैं। दूसरा, दीवानी के मिलने के बाद जो भू राजस्व प्रशासन की जिम्मेवारी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई थी, उसके कारण भूमि उत्पाद उनका दोहन, तो लैंड प्रोड्यूस का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन, और इसके लिए इसकी जरूरतें, और तीसरा जो अहम मुद्दा था वह था इस बलात् इम्पोजिशन, ये जो दीवानी के बाद, दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई थी, तो उस बलात् फोर्सफुल इम्पोजिशन को जायज ठहराने के लिए एक वैचारिक संरचना की जरूरत। तो तीन आधारभूत बातें हैं पॉलिटिकल इम्पोजिशन की बात, लैंड रेवेन्यू को मैक्सिमम करने की बात, और इन दोनों को जस्टिफाई करने के लिए एक वैचारिक संरचना खड़े करने की बात। इन तीनों के पीछे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वह यह कि अंग्रेज अफसरान को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को, जो भारतीय मातहत थे उनके, उन पर विश्वास नहीं था। तो जो तीन प्रशासनिक, न्यायिक और कॉलोनियल स्ट्रक्चर को खड़ा करने की बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के इम्पोजिशन की बात, इसके लिए उन्हें जानकारियों की जरूरत थी भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को लेकर, खासकर भूमि से जुड़ी हुई जानकारियां, भूमि उत्पाद के बंटवारे की बात, और तीसरा कि स्थानीय स्तर पर किस तरह से इस भूमि उत्पाद का वितरण हो रहा था, और स्थानीय स्तर पर किस तरह की सत्ता संरचना भारत में, भारतीय समाज में मौजूद थी। ये तीन, अर्थात भूमि का स्वामित्व भारत में किसके पास था या होता है, भूमि उत्पाद का वितरण कैसे होता है, और स्थानीय स्तर पर किस तरह की सत्ता समीकरण, सत्ता संरचनाएं हुआ करती हैं, इन तीनों से जुड़ी हुई जानकारियां भू राजस्व और सिविल कानूनों के निपटारे के लिए भी बहुत जरूरी थी, और बगैर इन जानकारियों के ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल सकता था।
ऐसे में इन जानकारियों के लिए अंग्रेज अफसरों को भारतीय मातहतों पर निर्भर होना पड़ता था और उनके बीच, अंग्रेज अफसरों के बीच एक बड़ी बेचैनी हम पाते हैं। वह यह बेचैनी का मूल कारण था कि उन्हें लगता था कि जो उनके भारतीय मातहत हैं वो उन्हें बरगला रहे हैं, उनके साथ सही जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, उन्हें भ्रामक या अपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में, इस राजनैतिक संदर्भ में और इस ठोस व्यवहारिक जरूरतों के कारण अंग्रेज अफसरों का ध्यान भारत में इतिहास लिखने की आवश्यकता पर गया। लेकिन आप कहेंगे कि इतिहास ही क्यों, यह तो ठोस अर्थव्यवस्था की बात थी, भूमि और भूमि उत्पाद से जुड़ी हुई बातें थी, या फिर दीवानी अदालतों में, सिविल अदालतों में मुकदमों का निपटारा कैसे किया जाए उनकी बात थी, तो इतिहास क्यों? अब देखें कि भूमि का स्वामित्व, भूमि के उत्पाद का वितरण, यह उस समय के जितने भी इतिहास लिखे जा रहे हैं, चाहे वो अलेक्जेंडर डोक की बात हो, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, या फिर रॉबर्ट ओर्मी की बात हो, या ग्रांट की बात हो, सब जगह ये भूमि और भूमि का उत्पाद और उससे संबंधित जानकारियां, उनके इतिहास लेखन के मूल में रहता है। लेकिन फिर से सवाल वही रह जाता है कि इतिहास लेखन क्यों, इतिहास क्यों? तो जब उन्हें भ्रामक जानकारियां दी जा रही थी, जैसा कि उन्हें विश्वास था, और उन्हें एक ऐसे समाज, एक ऐसी अर्थव्यवस्था से साबका पड़ रहा था जहां के भूमि स्वामित्व, जहां कृषि के सामाजिक सरोकार पश्चिमी यूरोप, इंग्लैंड से बहुत भिन्न थे, ऐसे में उनके लिए ये जरूरी था कि भारतीय मातहतों की मध्यस्थता को, उन पर निर्भरता को दूर करने के लिए वे भूमि संबंधों, भूमि के सामाजिक सरोकारों के मूल में जाएं। दोनों ही स्तरों पर, अर्थात टेक्स्चुअल, सैद्धांतिक भाग में भूमि अधिकारों से जुड़े हुए, भूमि स्वामित्व से जुड़े हुए किस तरह के सैद्धांतिक अधिकार क्या रहे, उनके आधार क्या रहे, सैद्धांतिक आधारों की तलाश करें, और इन कृषि संबंधों, इन भूमि उत्पाद के वितरणों की बात, या स्थानीय स्तर पर सत्ता की इकाइयां कैसे काम करती हैं, इसको जानने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे भी किए जाए। तो दोनों स्तरों पर सरोकार देखने को मिलते हैं, अर्थात बहुत स्थानीय प्रशासनिक
रिपोर्ट तैयार किए जा रहे थे और साथ में अखिल भारतीय स्तर पर भूमि से जुड़े हुए बड़े सवाल उठाए जा रहे थे। सवाल कम भी उठाए जा रहे थे, जानकारियां सैद्धांतिक भूमि या भूमि उत्पादों के सैद्धांतिक आधार की तलाश की जा रही थी और इस तरह से ठोस आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों ने इन अफसरों को भारतीय इतिहास की तरफ मोड़ा। हम इससे पहले कि कुछ खास लेखन पर बात करें, यह जरूरी हो जाता है कि यह सवाल उठाएं कि अंग्रेज ही पहले नहीं थे जो यूरोप के सामने भारतीय इतिहास या भारतीय ज्ञान वाङ्मय की थाती को प्रस्तुत कर रहे थे। यह इसलिए भी अहम है यह सवाल उठाना कि जब भी हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान महज ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों या उन अंग्रेजी विद्वानों की तरफ ही रहता है जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय इतिहास लिख रहे थे या जो बहुत विस्तार से रिपोर्ट्स अकाउंट्स लिख रहे थे, सर्वे कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा फ्रांसिस बुकानन या कॉलिन मैकेंजी। इसके समानांतर या इन अंग्रेजी विमर्श से बहुत पहले भी अन्य यूरोपीय शक्तियों द्वारा, जिनमें पुर्तगीज, फ्रांसीसी, डच सभी शामिल थे, भारत और भारतीय समाज सभ्यता को लेकर अकाउंट्स लिखे जा रहे थे, किताबें लिखी जा रही थी, तो जब हम भारतीय इतिहास लेखन की बात करते हैं तो हमें इन पुर्तगाली, इन फ्रांसीसी अकाउंट्स की तरफ भी अपना ध्यान खींचना होगा। और यह इसलिए भी जरूरी है कि जब हम इस तरह से अंग्रेजी विमर्श या ईस्ट इंडिया कंपनी के विमर्श से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो इतिहास का एक नया दायरा खुलता चला जाता है। इतिहास के इस दायरे में हमें संबंधों की एक भिन्न किस्म की जटिलता दिखती है और यहां समाज और सभ्यताएं या इतिहास एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं है। इसे हाल के दशकों में कुछ विद्वानों ने कनेक्टेड हिस्ट्रीज की तौर पर देखा है।
तो हमें इस कनेक्टेड हिस्ट्रीज पर भी एक नजर डालना होगा, इससे पहले कि हम वापस घूमकर 1765 के बाद के सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के द्वारा लिखे हुए इतिहास की तरफ आएं, या फिर इससे पहले कि हम विलियम जोन्स या कोलब्रुक जैसे महान प्राचीविदों की योगदान की बात करें। तो आइए संक्षेप में ही हम इस गैर अंग्रेजी यूरोपीय विद्वानों के द्वारा जो भारतीय इतिहास की सरोकार थी उन पर हम बात करें। देखिए, जब पुर्तगाली, फ्रांसीसी या इतालवी स्रोतों की बात कर रहे हैं, वहाँ जो भारत के संदर्भ में जो किताबें हैं या जो दास्तान है उसकी जब हम बात कर रहे हैं, तो यह महज 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी अफसरों द्वारा लिखे जा रहे इतिहास में एक और अध्याय जोड़ने की बात नहीं है। यहाँ कुछ अधिक महत्वपूर्ण, कुछ जो महत सामग्री के स्तर से ऊपर ऐतिहासिक दृष्टिकोण और इतिहास को देखने के नजरिए की तरफ इशारा किया जा रहा है। यह एक कनेक्टेड हिस्ट्रीज जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया था उसकी तरफ इशारा है, जहां मुद्दा यह है कि भारत और यूरोप, या फिर यदि विस्तार से देखें तो भारत और उसका जो अन्य समाजों के साथ संबंध था वह महज अंग्रेजी मध्यस्थता से ही तय नहीं हो रहा था। उसकी जो समृद्धता, उसकी संश्लिष्टता, वह हमें कई दिशाओं में ले जाती है जहां ज्ञान विज्ञान आर्थिक संबंध और जीवन के कई पहलुओं में आदान प्रदान हो रहा है और इससे जो इतिहास की प्रक्रिया हमारे सामने खुलती चली जाती है वहां सभ्यताएं, वहां समाज एक दूसरे से असंपृक्त न होकर एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। यह जुड़ाव कई स्तरों पर, जैसा कि मैंने अभी कहा, रहा और हम अभी वहां बहुत विस्तार में नहीं भी जाएं तो भी हम इतिहास धारा की ही स्तर पर यदि देखें या भारत के संदर्भ में जो विमर्श यूरोप में आकार ले रहा था उस स्तर पर ही देखें तो पाते हैं कि 18वीं सदी से बहुत पहले से यूरोप भारतीय समाज और भारतीय अतीत से रूबरू हो रहा था। प्रथम पुर्तगाली जिन्होंने भारत के बारे में लिखा
और जिनकी किताब सुमा ओरिएंटल यूरोप में प्रकाशित हुई, वे थे टॉम पायर्स। इनकी किताब 1515 में ही आई थी और इटली में इसका अनुवाद भी आ गया था, लेकिन अंग्रेजी भाषा की दुनिया के लिए यह 1944 तक लगभग 400 साल, 450 साल तक यह अनजान ही रहा, यह प्रकाशित नहीं हुआ था। इस किताब में भारत के पश्चिमी तट, गुजरात और बंगाल की भी आर्थिक स्थितियों का वर्णन हम पाते हैं। इसी तरह दुआर्तो बारबोसा की किताब लिब्रो, जो 1518 में ही प्रकाशित हो गई थी, वहां राजनैतिक परिस्थितियों का विवरण पाते हैं, भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण पाते हैं, सामाजिक व्यवस्था, आचार विचार और धार्मिक परंपराओं का भी जिक्र हम वहां देखते हैं। इसी तरह कैस्पर कोरिया की चार वॉल्यूम में, चार जिल्दों में लैंडर्स द इंडिया 16वीं सदी, मध्य 16वीं सदी में 1550 में हम देखते हैं। इसी तरह फेर्नो लोपेस कास्तानहेदा, वह भी 16वीं सदी में लिख रहे थे। यदि मैं सरल हिंदी शब्द में इसका, इस किताब के लंबे शीर्षक का अनुवाद करूं तो होगा, पुर्तगालियों द्वारा भारत की खोज और भारत के ऊपर विजय का इतिहास। यह आधिकारिक रपटों, उनके निजी ऑब्जर्वेशंस और अनेक घटनाओं में जिन लोगों ने भागीदारी की, उनके दास्तानों, उनके टेस्टिमनीज पर आधारित यह किताब है और यह इतनी प्रचलित हुई कि इसका फ्रांसीसी भाषा में, स्पेनिश, इतालवी और अंग्रेजी यूरोप के इन सभी मुख्य भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इसी तरह जो नाम हम लोगों के बीच अधिक प्रसिद्ध है वह है गार्सिया दा ओर्ता का नाम, 1535 से 1570, और इनकी किताब जड़ी बूटियों के साथ संवाद, आप उसके शीर्षक का सरल हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। जहां पश्चिमी भारत की वनस्पतियों का, जड़ी बूटियों का, औषधीय जड़ी बूटियों का बहुत विस्तार से वर्णन हमें मिलता है। पुर्तगाली साहित्य के साथ ही डच लेखनी हमारे सामने है, वह थाती है, जिसमें फिलिपस बाल्दियुस नामक एक मिशनरी हुए। उन्होंने कोरोमंडल तट
और गुजरात के आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का पढ़ लिखा और फिर पीटर वान डैम जिन्हें डच एस्टेब्लिशमेंट ने आधिकारिक इतिहास लिखने का जिम्मा सौंपा था, उनकी कृति है जो 18वीं सदी के शुरुआती वर्षों में हम पाते हैं। इसी तरह एबे प्रेवोस्ट की रचना हिस्टोरी जनरल दिस वॉयजेस हम देखते हैं 18वीं सदी में, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में ही। और एबे रेनल जिनकी कृति अंग्रेजी में भी ट्रांसलेटेड हुई, अनुवाद हुई, और इन्होंने दार्शनिक और राजनीतिक इतिहास यूरोपीय देशों का पूर्व में और वेस्ट इंडीज में जो यूरोपीय सेटलमेंट्स हुए उनके राजनीतिक और दार्शनिक इतिहास को लिखा। साथ ही हमें पुर्तगाली, डच राइटिंग्स के साथ, लेखनी के साथ हमें फ्रांसीसी साहित्य मिलता है भारत के ऊपर, जहां हम पहली बार प्राचीन भारतीय विज्ञान के साथ, वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ अपने को खड़ा पाते हैं। फ्रांसीसी बौद्धिकों के बीच ज्योतिष और गणित को लेकर गहरी दिलचस्पी हम देखते हैं प्राचीन भारत में, ज्योतिष और गणित को लेकर। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 19वीं सदी में हम या 18वीं सदी में, 19वीं सदी में जो अंग्रेजी दुनिया में हम अपने को खड़ा देखते हैं, तो वहां प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान की उपस्थिति को ही खारिज किया जा रहा था। तो उस 18वीं सदी के और 19वीं सदी के बनिस्पत हम फ्रांसीसी लेखन में प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान, ज्योतिष और गणना से संबंधित इतिहास को देखते हैं, पाते हैं। यह जो अंग्रेजी से इतर यूरोपीय साहित्य भारत के संदर्भ में हम जिसका बहुत संक्षेप में जिसकी चर्चा कर रहे हैं वहां थी, उपस्थित थी 18वीं सदी के उत्तरार्ध से पहले ही। जब 18वीं सदी का उत्तरार्ध इसलिए बार बार मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा 1765 में बंगाल की दीवानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली और फिर बाद में इसी दौरान एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई जिसने भारत के अतीत और भारत की संस्कृति
भारत के ज्ञान विज्ञान को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन उससे पहले एक ज्ञान संपदा का विशाल भंडार मौजूद था। इस ज्ञान संपदा के विशाल भंडार में इसकी एक कड़ी उन ईसाई मिशनरियों को भी जाती है, उन जेसुइट मिशनरियों को भी जाती है जो धर्म प्रचार के उद्देश्य से भारत में रह रहे थे। जैसे जेसुइट मिशनरीज के लिखे साहित्य में दो तरह का साहित्य हम पाते हैं। एक तो वह जो वे अपने मिशनरी गतिविधियों से संबंधित जो पत्र व्यवहार रोम को भेजा करते थे और जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारत के तत्कालीन परिस्थितियों की भी जिक्र मिलती है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण वह साहित्य है जो कि इन जेसुइट मिशनरियों द्वारा लिखी गई थी और जो भारत में उनके प्रवास के दौरान भारतीय मसलों पर जैसे दर्शन, भारत की धार्मिक परंपराएं, व्यवहार, सामाजिक व्यवहार आदि के ऊपर है। और यह भी एक बहुत समृद्ध साहित्य है। साथ ही जो अलग अलग समय में यात्री आते रहे, यूरोपीय यात्री आते रहे और उन्होंने जो यात्रा वृतांत लिखा जैसे बर्नियर या टेवर्नियर, उनके यात्रा वृतांत में भारत का समाज और भारत का इतिहास ज्वल उभर कर सामने आता है। और ये सभी इतिहास धारा, इतिहास की हमारी समझ में, उसको बनने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इनका जिक्र होना जरूरी है। इन गैर अंग्रेजी विद्वानों या मिशनरियों की लिखे साहित्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अंग्रेजी प्राच्यविदों से बहुत पहले हमें जैसे लीडन में 17वीं सदी में ही 1651 में ही भरतहरि के 200 श्लोक का अनुवाद प्रकाशित मिलता है। तो संस्कृत को पढ़े जाने का प्रयास हो रहा था, संस्कृत को अनुवाद किया जा रहा था। पहला यूरोपीय जिन्होंने संस्कृत पर महारत हासिल की वे जेसुइट रॉबर्टो डी नोबिली थे। फादर हेनरिक रॉथ ने संस्कृत व्याकरण लिखा और कार्मेलाइट मिशनरी फादर पॉलुंस ने संस्कृत व्याकरण, दो संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया रोम से 1790 और 1804 में। इसी तरह इससे बहुत पहले इटली के फिलिप्पो सासेती ने 35 पत्र फ्लोरेंस भेजे जिसमें उन्होंने भारत की दशा दिशा का वर्णन किया। मिशनरी साहित्य भारतीय इतिहास का एक अहम स्रोत है, लेकिन मिशनरी बदनाम रहे क्योंकि उनके उद्देश्य
धर्म का प्रचार था और इस कारण से उनके साहित्य को भी शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा। लेकिन कई अर्थों में यह साहित्य जो 18वीं सदी में अंग्रेजी मिशनरियों के द्वारा जो साहित्य है उसका अग्रज माना जा सकता है, उसका पूर्वज माना जा सकता है। जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इवेंजेलिकल्स या अंग्रेजी मिशनरी सक्रिय थे तो उनका उद्देश्य भारत में यह था, एक तो ब्रिटेन की जनता को नैतिक उत्थान करना था, उनके व्यवहार का उनके मोरालिटी का उत्थान उनका एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार था। तीसरा उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित करना था। एक तरह से उनके ऊपर उन्होंने खुद से आरोपित नैतिक जिम्मेवारी ली थी कि जिसमें गैर यूरोपीय सभ्यताओं को, गैर यूरोपीय समाजों को, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, उससे अंधकार कूपमंडुकता से मुक्ति दिलाना और उसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना, क्योंकि उनके नजरिए में ईसाई धर्म ही एकमात्र सभ्यता का पैमाना हुआ करता था। तो एक तो यह सभ्यता जनित उनका उद्देश्य था जिसमें वो सभी गैर यूरोपीय समाज को असभ्य और बर्बर मानते थे। लेकिन इसी के साथ साथ इन इवेंजेलिकल्स, इन अंग्रेजी ईसाई मिशनरियों का एक उद्देश्य भारत में फ्रांस के और फ्रांसीसी प्रचार प्रसार को रोकना भी था। हम आपको याद दिला दें कि यह वह काल था जब फ्रांस में प्रभुत्ववाद पनप रहा था, उसका प्रचार प्रसार हो रहा था और फ्रांसीसी क्रांति ने नए किस्म के राजनैतिक सिद्धांतों को दुनिया के सामने वो ला रहे थे। तो इन एंजेलिकल्स, इन मिशनरियों का एक उद्देश्य उस प्रचार प्रसार को रोकना भी था। लेकिन इस क्रम में उन्होंने भारतीय मसलों पर साहित्य लिखा जिसका हम अभी चर्चा कर रहे थे और जिसके बारे में और भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही हम इस सब से अलग भी रचनाएं पाते हैं, कृतियां पाते हैं, जैसे जॉन मार्शल जो कासिम बाजार मुर्शिदाबाद में अंग्रेजी अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्होंने श्री भागवत पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1668-1670 अर्थात 17वीं सदी में। साथ ही एक अलग किस्म का साहित्य भी लिखा जा रहा था जो प्रशासन के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था,
जैसे नेथनियल हॉलहेड के ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, जो वारेन हेस्टिंग्स के प्रोत्साहन में उन्होंने लिखा था और जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर इंग्लिश पर्शियन डिक्शनरीज, जो फ्रांसिस गैल्विन ने लिखा। फ्रांसिस गैल्विन ने आयने अक्वरी का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। नेथनियल हॉलहेड ने, जिन्होंने कोड ऑफ जेंटू लॉज लिखा, उन्होंने बंगाली भाषा के व्याकरण की भी रचना की। तो लब्बू लुआबिया की एक दौर की बात हम कर रहे हैं जहां भारत से संबंधित बहुत कुछ लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है, प्रकाशित हो रहा है। लेकिन साथ ही ध्यान में यह भी रखने की बात है कि महज यह ज्ञान का उत्पादन उसी खास कालक्रम में नहीं हो रहा है, यह पहले भी होता रहा। यह महज अंग्रेजों द्वारा नहीं हो रहा था, यह पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इतालवी, डच आदि द्वारा भी होता रहा। यह कई अलग अलग हलकों में होता रहा, जिसमें अंग्रेजी अफसर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर भी थे और जैसे मिशनरी भी थे। यह अनेक विषयों के ऊपर होता रहा, जिसमें व्याकरण, पर्शियन व्याकरण से लेकर संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद हो रहा है, इतिहास की बात हो रही है। इन सब का कहीं ना कहीं सत्ता और प्रशासन के व्यवहारिकता से संबंध तो है, या फिर धर्मांतरण, धर्म के प्रचार प्रसार से संबंध तो है, लेकिन इन सब का जो बृहत फलक है वह हमें प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत से संबंधित जानकारियों का एक ऐसा अनूठा साहित्य हमारे सामने खड़ा करता है, जिससे एक बात तय है कि यूरोप ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में दीवानी मिलने से पहले भी, भारत के विषय में परिचित था। भारतीय इतिहास की समृद्धि और स्थाति से परिचित था। जैसा मैंने कहा कि फ्रांसीसी भारत के प्राचीन भारतीय विज्ञान में, गणना में, गणित में बेहद दिलचस्पी ले रहे थे, और कहीं न कहीं जहां एक ओर यह आग्रह हम पाते हैं कि हर चीज को, हर मसले को, गैर यूरोपीय समाज के हर मसले को यूरोपीय या ईसाई धर्म के चौखे से देखा जाना, वह हम पाते हैं। ईसाई केंद्रित जो विमर्श इतिहास का, वह देखते हैं। लेकिन साथ ही इनमें से कई मिशनरीज, कई विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि गैर यूरोपीय समाज को उनके परिपेक्ष में, उनके नजरिए से देखा जाए। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जहां एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान
चाहे वो अलेक्जेंडर दो हो या जेम्स ग्रांट हो, जिनकी बात हम इस लेक्चर में शुरू में कर रहे थे, वे भारत से जुटाई जानकारियों सामग्रियों को ब्रिटिश इतिहास के चश्मे से परखने में जद्दोजहद महसूस कर रहे थे, उनको कठिनाइयां हो रही थी। वहीं दूसरी ओर वह धारा भी है जो कि इन बेमेल सी जानकारियों को, ऐसी जानकारियां जो कि एम्बिवेलेंट हो, जो कि इन पर्यवेक्षकों ने, इन विद्वानों ने पहली बार देखा हो, उसे भारतीय नजरिए से भी समझने की कोशिश कर रहे थे। और यह जो ज्ञान की विभिन्न धाराओं का संवाद कहें, उसका एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने में, तारतम्य बैठाने में कठिनाइयां कहें, यह भारतीय इतिहास की एक स्थायी पहचान बनी रही है। यह इसलिए भी क्योंकि एक ओर जहां इतिहासकार इतिहास विषय, इतिहास का अनुशासन जो एक खास समय में यूरोप में आकार ले रहा था, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, जो कि यही समय भी था, उसके मद्देनजर गैर यूरोपीय भारतीय समाज की संश्लिष्टताओं को परखना, यहाँ के धार्मिक पद्धतियों, सामाजिक व्यवस्थाओं को उस चौकठे से, उस वैज्ञानिक चौकठे से सामंजस्य बैठाना, तो यह जद्दोजहद कायम रहा। और इस जद्दोजहद के बारे में हम पुनः पुनः लौटेंगे, लेकिन इसी दौरान एक विद्वानों की एक जमात उभर कर हमारे सामने आती है, जो भारत या गैर यूरोपीय मुल्कों को सभ्यता के पैमाने पर, विकास के पैमाने पर किसी भी स्तर से कमतर नहीं मान रही थी। प्राचीन भारत हो या उसका ज्ञान विज्ञान हो, उसकी साहित्य और इतिहास हो, इन सभी से यह जो जमात था यह बहुत गहरे संवाद करना चाहता था, यह नई थाती हमारे सामने लाना चाहता था, और इस जमात को हम संस्थानात्मक तरीके से पढ़ेंगे। खासकर इसमें दो नाम महत्वपूर्ण हैं, 18वीं सदी की जब हम बात कर रहे हैं, और वे दो नाम हैं विलियम जोन्स और कोलब्रुक, जिस संस्था की ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है एशियाटिक सोसाइटी। शुक्रिया।